तो सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्टिव के तो मैं क्या ही बात करूंगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर तो अपनी प्रैक्टिस है। ऑब्जेक्टिव की कोई ऐसी तैयारी नहीं कि मैं 4 दिन में तैयारी करूंगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपकी बेसिक नॉलेज है जो आप कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन ही शायद इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही तो है। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज वाई, हाउएवर द ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर ऑब्जेक्ट जेड। अब देखो, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो कि आप कितने भी याद करके जा रहे हैं चीज़ें, मुझे बताओ, आप पेपर क्लियर नहीं कर सकते। आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए हिट एंड ट्रायल से कि ए को पहले पॉजिटिव नेगेटिव मानेंगे, अट्रैक्शन है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो एक्स और वाई के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन करेंगे, फिर वाई और जेड में देखेंगे, फिर इसका आंसर देंगे। मैं ये अपलोड करूंगा तो आप प्लीज इसे एक बार सॉल्व करेंगे, सारे पेपर को, एक एक क्वेश्चन को करना है आपने सॉल्व। मैं अभी जो मेन फोकस कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पे नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि इस हमारा देखो ये काम ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट पेपर तो आप ही ने सॉल्व करना है, किसने नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि लेवल क्या चल रहा है पेपर का। इसमें जस्ट मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या आया हुआ है। तो ये देखो, ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, गेन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स कितना। तो गेन कर रहा है तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। गेन कर रहा है तो फायदा ही हो रहा है ना, तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव ऑप्शन के साथ क्यू इज इक्वल टू एन ई लगा के आंसर आएगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो इसके अंदर जैसे एम मीटर, मैग्नेटिक फील्ड, सेल्फ इंडक्शन का न्यूमेरिकल है, मीन्स ऑब्जेक्टिव है। फेज डिफरेंस एसी के ऊपर आया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर आया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, वी इज इक्वल टू 3x², तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या करें, फॉर्मूला क्या लगाएं, ई इज इक्वल टू -dv/dx, ई आ जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये कट तो सकता ही नहीं बीच में, और ये तो बहुत ही अजीब हो गया है, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है इसमें। तो पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से मार्क करनी है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी, इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम 2 to x μF, सी बढ़ गया, डिक्रीज एनर्जी गिवन है, वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो हमने क्या की, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, ½ cv² या हाफ, वो क्या पूछ रहे, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो लोग सुबह 4 बजे उठ के डेरिवेशन रट्टा मार के जाएंगे और शाम को कहेंगे पेपर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उनको उन्होंने पुराने पेपर देखे ही नहीं। जो बिना पुराने पेपर देख के जाएगा उसका पेपर तो सारी जिंदगी ठीक हो ही नहीं सकता कभी भी, उसको पता ही नहीं कि क्या करना है। आप लोग देख रहे हो, आपको आइडिया मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हो कि इस लेवल पे मुझे काम करना है, मुझे एप्लीकेशन आनी चाहिए, ठीक। तो ये एक बार ट्राई करना है अपने सारा पेपर। नेक्स्ट इसमें मैं अभी जो आने वाला हूँ, बस ये तो दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें आई हुई हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, अब सेक्शन बी से स्टार्ट है, बी भी कुछ वैसा वैसा ही है, पर देखने वाली एक बात जरूर है, इलेक्ट्रोस्टैट भरा पड़ा है यार। मतलब आप देखो स्टार्टिंग ऑफ पेपर कहाँ से चल रही है, पूरा भरा पड़ा है, हर तीसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स का दिख रहा है मेरे को। और अभी तो 3 और 5 की बारी नहीं आई, अभी तो एक एक नंबर की बारी चल रही है, एक एक दो दो की। तो इसके अंदर फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप सिर्फ ये क्वेश्चन तो आप घर में सॉल्व करना, प्रॉब्लम नहीं है, आप लेवल देखो वो क्या पूछ रहा है। शीट ए एक्स वाई प्लेन, तो जेड इज इक्वल टू ए पे एक शीट पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन गिवन है, जेड एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। आप बस ये देखो कि आप न्यूमेरिकल क्या करके जा रहे हो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या पूछ रहा है, कुछ एक लेवल ऊपर एप्लीकेशन पूछ रहा है फ्लक्स की। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब आप अगर मेंस की तैयारी भी कर रहे थे और ये भी कर रहे हो, उसमें कुछ बहुत अंतर नहीं है, दिमाग इसमें भी लग रहा है, आप ऐसे नंबर नहीं गेन कर सकते इसमें। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ना, ये आपका होमवर्क है, या आपने एक 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 क्वेश्चन दिमाग लगा के ट्राई करना है। आपने जो ये देखो डायपोल के ऊपर क्वेश्चन आ रखे है, इसमें फोर्स निकालनी है क्यू नॉट के ऊपर, पहले ई निकलेगा फिर क्यू इंटू ई से फोर्स निकलेगी, इसमें क्लोज बॉडी या ई डॉट डीएस लगाना पड़ेगा, इसमें ई डीएस से आंसर आ जाएगा इसमें। इसके अंदर फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स है, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू डिस्टेंस ऑफ 1 cm अलोंग इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, क्या होगा। इक्वेटोरियल के अंदर वर्क डन पूछ रहा है, क्या क्या करेगा, जीरो। वो क्यों इक्वेटोरियल पे, क्योंकि नेट वी क्या होता है, जीरो। तो वी जीरो, तो वर्क डन कहां से आएगा, जीरो ही आएगा इसमें, राइट, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर वी लगा देते हैं, तो जीरो। आपको आइडिया समझ में आ रहा है,
कि लेवल क्या चल रहा है पेपर का। आप मतलब खेल खेल में पेपर नहीं दे सकते, वहां जाके बढ़िया हो गया तो याद किया, लिख दिया और आ गए, ऐसा नहीं है। तो जिसके 95% जेन्युइन आने हैं, उसके वाकई जेन्युइन यानी कि उसको नॉलेज है तभी आने हैं, ऐसे ले नहीं सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन ऑब्जेक्टिव्स की सही तरीके से। अब इसके अंदर नेक्स्ट है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स है, फिर से आ गया यार इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब एक बात तो पक्की है भाई, तैयारी करो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही करना, भरा पड़ा है पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक से, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जेक्टिव। तो उसमें मेरे ख्याल से 5-6 ऑब्जेक्टिव तो हो चुके हैं पूरे पेपर में से, 5-6 ऑब्जेक्टिव। अभी एक साल का है, 2021 चल रहा है, 22 और 23 भी देखना है। तो आपको एक आइडिया देना है कि एग्जैक्टली तैयारी करनी कैसे है, ठीक, और किस चैप्टर को क्या वेटेज लगेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, ऐसी रेजिस्टेंस का है, बार मैग्नेट है, भाई तो फिर से इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है। और इस बार क्वेश्चन भी कोई आम क्वेश्चन नहीं है, आप देख लो क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या करें, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, डी बाई डी आर से क्या होता है, वी, हाँ वी होता है, डी वी बाई डी आर, फिर वी से क्या करें, दो चार्जेस हैं ये, ई ठीक है, वी आ गया, और तो डिफरेंशिएट करके आ गया वी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसमें, यू क्या होगा, निकाल लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देख लो, ट्राई कर लो, ये तो मेन टपा पड़ा है, Q into V तो एनर्जी होती है, हाँ हाँ ठीक कह रही है, Q into V से हो जाएगा क्योंकि चार्ज है, V आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, और Q आपको पता है, हाँ तो कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, पर इसमें दो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस का क्या करोगे, दोनों, हाँ दोनों चार्जेस की एनर्जी अलग अलग ऐड कर सकते हो मेरे को लगता है, Q into V करके आ जाएगा मेरे को लगता है, V की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ना V निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ R, निकल गया, फिर R की वैल्यू पुट करके V1 V2 आएगा कि एक चार्ज पे कितना V1 है, एक चार्ज पे कितना V2 है, Q into V1 Q into V2, क्योंकि V जो आएगा वो R पे डिपेंडेंट होगा, V डिफरेंशिएट करके R डिपेंडेंट होगा, तो यानी कि R की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर डिफरेंट डिफरेंट V की वैल्यूज आएंगी, ऐसा कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसमें इक्विपोटेंशियल्स, भाई चुप करके ना सैम्पल पेपर ले लो कोई बढ़िया सा, और इलेक्ट्रोस्टैट्स को तो ना अच्छे से कर ही लो, मतलब मैं तो लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स ही पास करा देगा कम से कम, और कुछ को ना हो, थ्रेशोल्ड तो यही क्रॉस करवा देगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इक्विपोटेंशियल्स एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज सम इज नॉट जीरो इज व्हाट, क्या करेंगे, डी, क्यों, फेयर पॉइंट चार्ज है भाई, पॉइंट चार्ज का तो स्फेरिकली बनता है, नहीं नहीं नॉट जीरो है, तो वो तो नॉट जीरो तो होता ही है, वी तो नॉट जीरो, इक्विपोटेंशियल पे प्रॉब्लम क्या है, एट अ लार्ज डिस्टेंस क्या बनेगा, तो प्लेन भी बन सकता है, हाँ तो इक्विपोटेंशियल है भाई, इक्विपोटेंशियल वी सेम ही तो करना है, तो मेरे हिसाब से प्लेन बनना चाहिए यार, ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, एक पॉइंट सोर्स है, लाइट स्फेरिकल निकलती है, वेव फ्रंट बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाके वो क्या दिखती है, वो प्लेन दिखती है, चाहे स्फेरिकल बहुत दूर जाके प्लेन दिखेगा, तो मेरे हिसाब से उसको प्लेन बने, और वैसे भी यार पूरे इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ तो लिया, या तो प्लेन है या स्फेयर है, बीच में फिगर कौन सी बनाई इक्विपोटेंशियल, ये तो बता दो, इक्विपोटेंशियल कोई ऐसी फिगर देखी है आपने, ऊटपटांग का भी फिगर देखी नहीं है, या तो पॉइंट चार्ज के स्फेयर देखे हैं या प्लेन देखी होगी, तो प्लेन ही मार्क करना है इसमें, नई फिगर नहीं लेके आनी, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, चलो ये सॉल्व है तो एक बार घर पे जाके देख लेंगे, इसका आंसर्स भी हैं इसके, गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जो जिनके पास नहीं गूगल ड्राइव, मुझे व्हाट्सएप करना, ईमेल मैं शेयर कर दूंगा, उसमें पढ़ा होगा ये पेपर, करना ही आपने, और देखते हैं स्फीयर क्यों है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्फीयर नहीं हो सकता, द्वारा देखूं क्वेश्चन द्वारा पढ़ना,
डी तो नहीं है डाउट है, मैं ये नहीं कहता स्फीयर है कि नहीं, वो तुम क्या कह रहे हैं, सम ऑफ कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, ये लो बन गया, कलेक्शन ऑफ चार्जेस बना दिए, कलेक्शन ऑफ चार्ज का ऐड कर दो, नेट चार्ज आ जाएगा, मान लो पॉइंट चार्ज आएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है, या तो वो ऐसे सोच रहा होगा, इनफाइनाइट का मतलब कि आप अगर ऐसे अलग अलग बॉडीज लेंगे, अलग अलग चार्जेस लेंगे तो अलग अलग स्फीयर बनेंगे। तो उसने कहा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है, क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा हो, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देखना है ना इसे, ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ना फिर से, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मेरे को एक चार्ज नजर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? देखो दो टाइप के क्वेश्चन हुए, मैंने इसे ऐसे इंटरप्रेट किया कि मेरे पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं और कलेक्शन ऑफ चार्जेस ने इक्विपोटेंशियल बनाई और मैं इक्विपोटेंशियल को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देख रहा हूं, तो मेरे को वो प्लेन नजर आता है। दूसरा तरीका, मैं खुद इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, मैं दूर चला गया इनसे, जब मैं दूर गया तो मुझे ये कलेक्शन एक ही चार्ज नजर आया, जब मुझे एक चार्ज नजर आया तो इसकी ओरिजिन ऑफ इक्विपोटेंशियल क्या बनेगा, स्फीयर, मतलब मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हूं। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी इस तरीके से हो कि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से देख रहे हैं तो मल्टीपल चार्जेस ना देखें, आप पॉइंट चार्जेस देखें। मैंने पहले बोला दो इंटरप्रिटेशन है ना, देखो ना, अगर वही क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि एक चार्ज है, उसकी इक्विपोटेंशियल है, वैसे स्फीयर निकलती है, पर आप अगर बहुत दूर खड़े हुए हैं तो आपको प्लेन ही दिखेगा ना उसका, बड़ा इक्विपोटेंशियल, बड़ा स्फीयर का पार्ट। उसने उल्टा पूछ लिया कि आपको कलेक्शन ऑफ चार्जेस देखने हैं तो कलेक्शन ऑफ चार्जेस के मल्टीपल स्फीयर बनेंगे, आप मल्टीपल ना सोचें, वो कहता जी पॉइंट चार्ज सोच लें, बस एक ही चार्ज है, तो वो स्फीयर हो गया। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ लेना, हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ ली हो। ये कौन सा पेपर है, 2022। देखो इसके अंदर अब ये सब्जेक्टिव पोर्शन चल रहा है, तो गीगर मार्दन एक्सपेरिमेंट बोला था ना मैंने आपको, एनसीईआरटी में आता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड को ही बोलते हैं, ठीक, लिखा भी हुआ रदरफोर्ड। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस लेंस के ऊपर आया हुआ है, स्लिट विड्थ वेव ऑप्टिक्स आया हुआ है, एनर्जी मोमेंटम आया हुआ है, प्रिज्म आया हुआ है, ऑप्टिक्स तो आसान आया हुआ है, ऑप्टिक्स है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ठीक है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक दिख नहीं रहा मुझे, देखते हैं आगे, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रिक मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रोस्टैट्स है। नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, बाइंडिंग एनर्जी है, एक्सट्रिंसिक है, कॉपर सिलिकॉन है, डिप्लीशन लेयर है, गैल्वेनोमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इंटरफेरेंस है, एन टाइप पी टाइप है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सेंटर्स। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा पहला बताओ, कॉन्सेप्ट शुरू कहां से करेंगे ना, वो तो तब होता है जब चार्जेस को करके सेपरेट कर दिया, वायर से कनेक्ट किया, हाँ, कॉमन पोटेंशियल, जब भी अनइक्वल चार्जेस हैं दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, मैंने नोट किया कॉमन पोटेंशियल पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो कॉमन पोटेंशियल से कॉमन पोटेंशियल निकाल के फिर चार्ज आ जाएगा, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, तो पहले कॉमन पोटेंशियल निकाल लें, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर सी इज चार्ज बाय अ बैटरी टू वोल्टेज वी, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, अनचार्ज कैपेसिटर टू सी को कनेक्ट कर दिया, अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, एनर्जी के कॉमन पोटेंशियल, अगेन पहले पोटेंशियल सेम करोगे ना, एक कैपेसिटर का चार्ज दूसरे में जाएगा तो दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, चार्ज शेयर तब तक होगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2, तो पहले कॉमन पोटेंशियल आएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एनर्जी से पहले पोटेंशियल ही लगेगा, तेरे को V चाहिए होगा, V कहां से लाएगा, पहले अनचार्ज को चार्ज तो दे,
एनर्जी तो बाद में लगेगी, पहले अनचार्ज को चार्ज के लिए निकालने के लिए आपको वी तो निकालना पड़ेगा। तो मैं आप एक चीज ये नोट करो, कॉमन पोटेंशियल डेरिवेशन याद करके कुछ नहीं होगा, नोट कर रहे हो? एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन है ज्यादातर सीधा। मुझे बताओ डेरिवेशन आई कहाँ है अभी तक? पुराने पेपर में आती थी, ये पेपर में नहीं है, लेटेस्ट पेपर के अंदर बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड पेपर्स हैं। नेक्स्ट है सीआर सर्किट हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, आ गया। देखो पास करने के लिए दिया हुआ कुछ तो गॉस थ्योरम को इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर किया था हमने, तो स्ट्रेट वायर की वजह से ई निकालना, चलो कुछ तो यार सही है। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना इधर प्लीज। देखो कंसिडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट ओरिजिन एंड क्यू कॉमा ए कॉमा जीरो, दो चार्जेस रख दिए। इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? ये चेक करके बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर करके देखना पड़ेगा। दूसरा, इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, और दोनों तो इसमें जो पॉइंट चार्जेस हैं इसमें मेंशन नहीं किया उसने, उसने कहा बस आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं। आइडेंटिकल का मतलब हाँ प्लस माइनस नहीं है, सेम चार्ज है, क्यू एंड क्यू है। तो जस्टिफाई योर आंसर, मुझे बताओ क्या याद करोगे डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की और क्या याद करोगे पोटेंशियल की डेरिवेशंस? वो तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, वो डिस्कस करना है कि क्या पोटेंशियल वहां पर जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बात खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो सकती है आइडेंटिकल चार्जेस मिड पॉइंट पे, पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल जीरो करने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना जरूरी है, तो पोटेंशियल जीरो होगा। अब कहीं भी एक पॉइंट ढूंढना है जहां मर्जी रख लो उसे, ये तो नहीं कहा सेंटर पे, कोई भी एक केस डिस्कस कर दो जहां पर ई जीरो है, बात खत्म हो गई। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आंसर तो यार तुम घर जाके ढूंढ ही लोगे, इसके आंसर की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि लेवल जो फ्रीक्वेंसी चल रही है सीबीएसई की वो इस पेपर से पता लगती है। आप गलत फहमी में जीते हैं कि डेरिवेशन याद होगी, मेरी किताब हो गई, मैं याद कर लूंगा, पेपर वही पेपर पासिंग मार्क्स ही होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। पेपर बढ़िया होगा अगर आप इन सारे पेपर्स को एक एक क्वेश्चन को सीरियसली अटेम्प्ट करो, तो इन क्वेश्चन को आपने देखना है ठीक। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्शन के ऊपर है, ठीक है। आप देखो ना सेल्फ इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, एसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। मुझे बताओ यार आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, मुझे बताओ यार ये ऐसे अपने डायग्राम कब देखे, देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल, कहां से ढूंढ के लाते हैं? देखो आप मतलब नॉर्मल पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर पूछने का स्टाइल देखो क्या करता है वो, ठीक है, नया स्टाइल है। तो लेबल डायग्राम प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर तो आना ही है, जनरेटर के ऊपर न्यूमेरिकल भी आना ही आना है, बताया था मैंने, हाइगन प्रिंसिपल आना ही आना है, मिरर के ऊपर आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर एक्सप्लेन करो, किया था हमने रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग के बीच में डिफरेंस भी किया था टेलीस्कोप में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल तो हर हालत में करके जाना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्ट थ्योरी भी करके जानी है, आना ही आना है, तीन नंबर गवा बैठोगे नहीं तो पक्की बात है। ये लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया। नेक्स्ट क्या है, अब देखो मुझे बताओ, वैसे ये आज हमने डिस्कस नहीं करना, ये ईएमआई के अंदर डिस्कस करना है हमने। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन द फिगर, मतलब क्या है पैराग्राफ पूछ रहा है बेसिकली, कुछ नहीं कर रहा। द जंपिंग रिंग एक्सपेरिमेंट इज एन आउटस्टैंडिंग डेमोंस्ट्रेशन ऑफ सम सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो जंपिंग रिंग है, रिंग जंप कर जाती है, देखते ही आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, किसका कॉन्सेप्ट है ये? हमने क्या ऐसा कभी किया जंपिंग डिस्क, डिस्क ने जंप किया था कभी जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया? टॉपिक नाम बोलो, हाँ कौन सा टॉपिक, कौन सा था वो? बार मैग्नेट है ही नहीं, एडी, कौन बोला अभी? एडी, एडी करंट की एप्लीकेशन थी कि ऐसी आप सोलेनोइड के अंदर ढक्कन रखते हो, डिस्क रखते हो, डिस्क हवा में उछलती है, रिपल्शन किया था हमने ये, तो ये फिर रिंग डाल दी, तो एडी करंट और इंड्यूस करंट की वजह से ऊपर उछलेगी। करेंगे जब हम ईएमआई करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि उसने देखो कैसे स्टैंडर्ड चीजों को ब्रेक कर दिया। लोगों ने रट्टा मार रखा है डिस्क के एडी करंट्स है, उसे रिंग बना दी, ठीक। नेक्स्ट, और फिर लोग कहते हैं कि फिजिक्स का पेपर ना थोड़ा मुश्किल आता है। देखो मुश्किल नहीं आता, वो बेसिकली क्या पूछ रहा है, वो चाह रहा है कि आप दिमाग लगा के अपना आंसर दें, याद क्या वो आंसर मत लिखें, सिंपल है। तो नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर है, फिर इन्हें कई सेट हैं एक्चुअली,
2022 के कई सेट चल रहे हैं, एक चार सेट आते हैं ना, चारों सेट में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए पेपर खत्म नहीं हो रहा अभी तक। तो इसके अंदर रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चलो ठीक है, पॉइंट चार्ज के ऊपर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का है। नेक्स्ट है यंग्स का एक्सपेरिमेंट है, रे ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, एनर्जी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, टॉर्क के ऊपर, टॉर्क गिवन है ई निकाल लो, पी ई साइन थीटा। नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, शुरू कहां से करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती क्या, हाफ एम वी, तो क्या चाहिए होगा, वी, वी कैसे आएगा, सेंट्रीपिटल, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वेट करके वी निकाल के हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर, चलो आ गया, शुक्र है रेक्टिफायर स्टैंडर्ड है। लेंस की पावर के ऊपर देखो, हर सेट में आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं लेंस की पावर पे, प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन आया है, रेजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था ना बाइंडिंग एनर्जी कब हमेशा आता है, देखो करवाया था बाइंडिंग एनर्जी कब पक्का आएगा। ठीक है नेक्स्ट 2023 इस साल का पेपर देख लो, जो 2023 में आया था लास्ट ईयर, जो करंट ईयर पेपर है, तो कैसा फील किया होगा आपके एक साल सीनियर्स ने, अगर आप होते तो कैसा फील करते, देख लो। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ गिवन 30 डिग्री पे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, टॉर्क गिवन है, और क्या निकालो, चार्ज निकाल दो, तो ठीक है ना, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, वहां से पी आ गया, पी क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, वहां से क्यू आ गया। नेक्स्ट है मॉडर्न ज्यादा ही हुई है इसमें, मॉडर्न ज्यादा है। कैपेसिटर ईच ऑफ 4 माइक्रोफेरेड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट अफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन गिवन है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, तीनों पैरेलल में सीरीज में, एक आंसर आएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट है हाइगन्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, बोहर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, रेजिस्टेंस, करंट कैरिंग लूप, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल अनस्टेबल, लास्ट टाइम याद है अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया था, एंगल 0 और 180 होता है, क्वेश्चन आया हुआ है स्टेबल अनस्टेबल, देखो लास्ट ईयर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन ईच केस, पोटेंशियल एनर्जी भी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी कॉस थीटा में, एक बार थीटा 0 एक बार थीटा 180 आंसर, तो लास्ट टाइम क्या था ना डिस्कस, मैंने बोला था स्टेबल अनस्टेबल आते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन है। आप एक चीज देखो यार, मतलब आप मैग्नेटिक फ्लक्स आप भी पढ़ते हो बहुत कुछ, देखो पेपर मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ना सोचो कि मैंने देख रखे हैं, पिछली बार किसी बच्चे ने दिखा दिया, मैं कौन सा याद था, अभी भी लेके आया हूँ मैं नई नई किताब अभी, तो मैं आपके साथ ही देख रहा हूँ ये पेपर। आप ये देखो पेपर पूछने का तरीका देखो जरा क्या चल रहा है, देखो फ्लक्स मैग्नेटिक सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता है फाइव इज इक्वल टू एल आई, फाइव इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, सब कुछ पता है बी इंटू ए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ग्राफ के साथ वो सी वन सी टू की वैल्यू दे रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन ग्राफ से निकाल लो, फिर कह रहा है कि करंट रेट डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी। आप लेवल देखो क्वेश्चन पेपर का क्या सेट हुआ हुआ है, आप जितने मर्जी फ्लक्स के रट्टे मार लो फेल ही हो, अगर आपने एप्लीकेशन नहीं उसकी सीखी अच्छे से, आप पॉइंट समझ में आ रहे हैं, तो बेसिक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे उसके न्यूमेरिकल जरूर करें, न्यूमेरिकल से ही आप बढ़िया नंबर लेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड है। नेक्स्ट है वेव फ्रंट, तो चलो आसान है, एसी डिवाइस, ये भी सही है, ऐसे क्वेश्चन में टेस्ट में बोर्ड डाले, नेम डिवाइस एक्स एंड वाई, ये तो आते आते हैं। बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, मतलब तीसरी बार देख रहा हूँ एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर या एसी जनरेटर तो पक्का आना ही है विद न्यूमेरिकल। करंट सेंसिटिविटी ठीक है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर देख रहा हूँ, पक्का क्वेश्चन आएगा गैल्वेनोमीटर पे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने बताया था, रदरफोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा।
बोर थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स बताया था ना, रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग, वी आई करेक्टरिस्टिक्स पक्का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन एक्सप्लेन करो, पी एन जंक्शन आ गया, वर्किंग ऑफ डायोड पूछ रहे, चलो ये तो ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैंने बोला था ना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पक्के आने हैं और साथ में उसका न्यूमेरिकल फ्री में करना ही करना है आपको, दोनों चीजें करके ही जानी है, अकेली थ्योरी से बात ही नहीं बननी। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या न्यूमेरिकल, मतलब कोई कर लो या माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, एक तो आना ही है। नेक्स्ट है लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, डबल कन्वेक्स लेंस, कैपेसिटर, देखो ये शीट के अंदर किया हुआ है, मुझे कोई बताएगा ये अरेंजमेंट कौन सा होता है, वीट स्टोन ब्रिज, तो वीट स्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, अभी मैंने स्किप कर दिया वैसे शीट में अपनी, मुझे लगा कि शायद डालेगा नहीं, 2023 में वीट स्टोन ब्रिज डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हैं ना ऐसा, वीट स्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन उसने डाल दी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो हमने किया हुआ है ये बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है और सी को हटा के सी 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 थ्री सी आंसर याद करो, बुकलेट चेक कर लेना, कर लेना किया हुआ हमने ये। नेक्स्ट है डायलेक्ट्रिक स्लैब, ये देखो डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस वाई, अभी आज डेरिवेशन की, देखो हमने तो कर ली डेरिवेशन और पेपर सोच रहे हैं कि बढ़िया होगा कि हम तो डायलेक्ट्रिक स्लैब कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हो गया, आज मैंने करवाया था कैपेसिटर की प्लेट में डायलेक्ट्रिक डाल लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई के हो जाता है, वो सेम एक्सप्लेनेशन है, तो वहां से V निकालना है, पहले Q निकालना है, C निकालना है, V निकालना है और E निकालना है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल हो जाएगी, सही है। और ये देखो इसने ये बोला कि बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसने ये नहीं बोला कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, क्योंकि अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड होगी तो E में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था E रिमेन्स सेम, और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो E विल बिकम 1/k टाइम्स, ठीक, पर उसने ये हिंट दिया हुआ है इट डिक्रीजेस, इसका मतलब ये मान रहा है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड हुई हुई है। कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज क्यू इज कनेक्टेड अक्रॉस अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर बी ऑफ टू सी, क्या करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट कॉमन पोटेंशियल, अनचार्ज और चार्ज कैपेसिटर जब इकट्ठे होंगे तो कॉमन पोटेंशियल, फिर निकाल लेना पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कॉमन पोटेंशियल निकालना है, चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर ए, जितना पहले चार्ज था जब पोटेंशियल वी था, कॉमन पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल वी डैश हो गया, तो पहले चार्ज क्या था सी इंटू वी, अब सी इंटू वी डैश, दोनों को माइनस करके चेंज ऑफ चार्ज आएगा, ठीक, तो ये किया भी आज हमने, ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला केस है, सीरीज पैरेलल, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, चार्ज क्यू, ये तीन चार्जेस गिवन है और क्या निकालना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट, आप ये देख लो यार तुम रट्टे मारोगे एनर्जी कैसे निकालनी है, वो पूछना एनर्जी निकाल के दिखाओ, तो मैंने करके दिखाया था तीन सेट ऑफ एनर्जी, लास्ट टाइम एनर्जीज निकाली थी तीन चार्जेस की, सेम आंसर है। पोटेंशियल एट पॉइंट डी भी निकाल लो, तो डी का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, कौन लगाएगा इस पे पोटेंशियल, तीन चार्जेस, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, तीनों को ऐड करके पोटेंशियल निकाल देना, ठीक। नेक्स्ट है देखो, कहो या ना कहो लेवल तो है यार पेपर का, हल्के में ले नहीं सकते पेपर को, ये है पार्ट वन, अभी चार पार्ट है, बहुत बड़े पेपर हैं, चार चार पेपर हैं हर साल के, 22, 21, 22, 23, तो अब 6-7 सेट हैं, काफी बड़ी 40-50 पेज हैं कम से कम, फिर देखो क्वेश्चन आ गया स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये उसी के सॉल्यूशन चल रहे हैं, स्टेबल अनस्टेबल, पार्ट टू पार्ट थ्री, ये लो, अच्छा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है,
ठीक है, मेरे को लगता है कि ये मेन पार्ट वही था, ये सॉल्व पेपर है, शायद सॉल्यूशन एंड में दिए हुए हैं इसके, सॉल्यूशंस एंड में है, इस वजह से लंबा हो गया। ठीक है, ठीक है, बाकी सॉल्यूशंस हैं। तो